कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले से कुछ सुधार आया है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू का ब्लड प्रेशर 11वें दिन कंट्रोल में आया है। हालांकि ऑक्सीजन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उन्हें पहले 20% ऑक्सीजन दी जा रही थी। इससे पहले शुक्रवार को राजू की हालत क्रिटिकल हो गई थी। बाद में एम्स की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड को कोलकाता से तत्काल वापस बुलाया गया। शनिवार को राजू का हाल जानने के लिए मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जॉनी लीवर और नरेंद्र बेदी एम्स पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर राजू के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। राजू के बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया है कि एम्स दिल्ली में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर MV पद्मा को किसी काम से कोलकाता जाना पड़ा था। राजू की बिगड़ती तबीयत के बाद प्रोफेसर पद्मा को कोलकाता से वापस बुलाया गया। सीपी ने बताया कि शुक्रवार रात कोलकाता से लौटने के बाद उन्होंने परिवार को हिम्मत दी। वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है। राजू को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। राजू के ब्रेन का ट्रीटमेंट प्रोफेसर पद्मा ही देख रही हैं। फिर से दिया गया दूध। राजू श्रीवास्तव के PRO गर्वित नारंग ने बताया है कि डॉक्टर ने दिमाग के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया है। उनका हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है। पहले एंटीबायोटिक दवाओं के हैवी डोज दिए जा रहे थे, इन्हें अब कम कर दिया गया है। अब उन्हें फिर से दूध दिया जाने लगा है। राजू श्रीवास्तव के शरीर और संक्रमण फैलने के बाद सिर्फ पत्नी शिखा को ICU में जाने की अनुमति थी, मगर अब उन्हें भी रोक दिया गया है। डॉक्टर का कहना है कि राजू को अब किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। ऐसे में उनके लिए मौजूद नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी टाइम में ICU से बाहर नहीं आता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।